हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 10, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फोर्स की एंड नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर की। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। बच्चों, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज फोर्स। बच्चों, लेट्स सपोज ये एक टेबल है, ओके? अगर इस टेबल को मैं कहूँ कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पर लेकर के जाना है, तो आप लोग क्या करोगे? या तो इस टेबल को पुश करोगे, अदरवाइज इस टेबल को पुल करोगे, ताकि ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा सके। तो बच्चों, फोर्स और कुछ नहीं है, फोर्स जो है वो पुश एंड पुल को ही कहते हैं, जो कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट को चेंज करने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में है तो फोर्स जो है उसको मूव करा देता है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे क्या करता है, फोर्स स्टॉप करा सकता है, या उसके डायरेक्शन और स्पीड को भी चेंज कर देता है। तो अगर हम लोग फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल That acts on an object, जो कि किसी object पर लगता है, causing it to move, जिसकी वजह से वो move कर ले जाए या stop हो जाए और change its direction, या फिर उसका direction change हो जाए। For example, let's suppose ये एक car है, अगर आप इसको push कर रहे हो तो it means कि आप इस car के ऊपर क्या कर रहे हो? Force apply कर रहे हो। आप जितना तेज इस car को push करोगे उतना ही ज़्यादा जो है आप इस कार पे फोर्स लगा रहे हो, और हो सकता है कि आपके फोर्स लगाने से ये कार जो है वो मूव करने लगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि फोर्स किसे कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर पुश या पुल करते हो जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगे या स्टॉप हो जाए, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर कह लो अगर उसका स्पीड चेंज हो जाए, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? फोर्स। फोर्स को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, एंड इसकी यूनिट को कहते हैं न्यूटन, जिसको कि हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द फोर्स इज दैट कि फोर्स जो है वो तभी एक्ट करता है जब टू ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोर्स जो है वो तभी एक्ट करेगा जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेट सपोज अगर आपको डोर को ओपन या क्लोज करना है तो उसके लिए आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, और जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो डोर के हैंडल एंड आपके हैंड के बीच में इंटरेक्शन होता है। इन द सेम वे अगर आपको साइकिल को चलाना है, साइकिल राइड करनी है, तो इसके लिए आपको अपने फुट से साइकिल के पैडल पे फोर्स लगाना होगा, और जब आप ऐसा करोगे तो उस दौरान भी आपके फुट एंड पैडल के बीच में इंटरेक्शन होता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि फोर्स तभी एक्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? तो बच्चों देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किए जाते हैं, लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स, जैसा कि इस कंडीशन में आप लोग देख सकते हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई होते हैं तो इन फोर्सेस का जो कॉम्बाइंड इफेक्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। वन मोर थिंग बच्चों, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले डिफरेंट फोर्सेस के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ये जो फोर्स लग रहे हैं इनका डायरेक्शन क्या है, इसके बेसिस इस पे डिपेंड करेगा रिजल्टेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले डिफरेंट फोर्स जो हैं, जैसे कि F1 एंड F2, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अगर ये लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो कि F1 एंड F2 सेम ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, यानी कि जो कैपिटल F होगा, वो इन दोनों इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होगा। जबकि अगर डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसा कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो, यहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, F1 एंड F2, जो कि एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन हो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, तो इंडिविजुअल तो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जो कैपिटल एफ होगा वो इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लगते हैं तो उनके कॉम्बाइंड इफेक्ट को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं, जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेम डायरेक्शन हो तो फोर्सेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो फोर्सेज जो हैं उनका उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? दोनों फोर्सेज का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक केस ले रहे हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्स F1 एंड F2 अप्लाई हो रहे हैं, जो कि एक दूसरे से अपोजिट इन डायरेक्शन है।
तो अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स देखे बच्चों, तो आप लोग जानते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, यानी कि एफ वन माइनस एफ टू। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चों अगर एफ वन और एफ टू बराबर हो तो क्या होगा, इक्वल हो, तो बच्चों इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जब एफ वन और एफ टू बराबर है और जब इन्हें आप सब्सट्रैक्ट करोगे एफ वन माइनस एफ टू, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो। इट मीन्स कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो वो तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी कि फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है। तो बच्चों जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार के दरवाजे को पुश करो या पुल करो, यानी कि अगर आप कार के दरवाजे को फोर्स लगा रहे हो, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो कार का दरवाजा जो है वो या तो खुल जाएगा या तो क्लोज हो जाएगा। इट मीन्स कि फोर्स लगा करके आप क्या कर सकते हो, किसी चीज़ को मोशन में ला सकते हो। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है, जो कि मोशन में है, उसको वो स्टॉप भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक बॉल है वो मोशन में है, तो आप फोर्स लगा करके उस बॉल को स्टॉप भी कर सकते हो। तो बच्चों फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है उसे स्टॉप भी कर सकता है। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि फोर्स जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो इसमें वो क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा करके उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। आई होप को ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स अप्लाई करके हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है कि फोर्स लगा करके आप किसी मूव कर रही ऑब्जेक्ट का स्पीड भी बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकिल चला रहे हो, इट मीन्स कि आप अपने फुट से पैडल के ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, और अगर आप फुट से पैडल पे लगाने वाले फोर्स को बढ़ा दो तो जो साइकिल हो जाएगी वो और तेज चलने लगेगी। इट मीन्स कि फोर्स लगा करके आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बदल सकते हो। नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि फोर्स अप्लाई करके, फोर्स लगा करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो फोर्स लगा करके, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, उसके शेप एंड साइज को बदल रहे हो। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फोर्स का क्या इफेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। फोर्स जो है बच्चों वो टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों आप अगर इसके नेम को ही, टर्म को ही ध्यान से पढ़ोगे तो इसका जो नेम है वो ही आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जब दो चीज़ें, टू ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो बच्चों जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में होता है और उस टाइम पे जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इसका अपोजिट, जब ऑब्जेक्ट्स विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट हो और उस टाइम उस पर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। जब दो चीज़ें फिजिकल कॉन्टैक्ट में हो तो उस टाइम जो फोर्स लगता है उसे कॉन्टैक्ट फोर्स, और जब ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो तो उस टाइम जो उस पर फोर्स एक्ट करता है उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी डिफरेंट काइंड्स को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट काइंड्स की। तो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स जो है यहाँ पे हम लोग इसके थ्री डिफरेंट काइंड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, सेकंड इज फ्रिक्शनल फोर्स एंड थर्ड इज मैकेनिकल फोर्स। मस्कुलर फोर्स बच्चों जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, इसमें टर्म आ रहा है मसल्स, है ना। तो मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जो कि हमारी बॉडी की मसल्स एग्जर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जो है जब वो डंबल को लिफ्ट करता है तो उस टाइम जो फोर्स लगती है, हमारी मसल्स जो फोर्स लगाती हैं उसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स। सेकेंड बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, जब दो चीज़ें
एक दूसरे के साथ, दो चीजों के सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। कहने का मतलब है कि जब दो चीजों के सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अराइज हो जाता है जो कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को, उसकी गति को अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी बॉल को ग्राउंड पे रोल करके छोड़ दोगे तो आप लोग देखोगे कि कुछ समय बाद जो बॉल है वो स्टॉप हो जाएगी। तो बच्चों उसका रीज़न है कि जब बॉल का सरफेस ग्राउंड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो अराइज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। और जैसा कि मैंने बताया, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, रोकता है, जिसकी वजह से बॉल जो है कुछ समय बाद क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से स्टॉप हो जाती है। थर्ड टाइप है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल फोर्स वो फोर्स जो कि मशीन अप्लाई करती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब आप कार को स्टार्ट करते हो तो उसकी इंजन जो है वो टायर्स के ऊपर मैकेनिकल फोर्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से कार जो क्या है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के डिफरेंट काइंड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के डिफरेंट काइंड्स को, जिसमें फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि बच्चों टर्म से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, टर्म आ रहा है मैग्नेट, तो बच्चों वो फोर्स जो कि मैग्नेट किसी अदर मैग्नेट के ऊपर या फिर किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई मैग्नेट जो होता है वो किसी मेटल, लेट सपोज आयरन और निकल को जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों जब कोई चार्ज्ड बॉडी किसी दूसरी बॉडी को जो फोर्स एग्जर्ट करती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो लाइक चार्ज, दिस इज नॉट लाइक, ये है लाइक। तो बच्चों लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों ये किस वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड थर्ड टाइप इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों देखो, अर्थ में जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं या पार्टिकल हैं वो सभी एक दूसरे को पुल करते रहते हैं, पुलिंग फोर्स लगाते हैं। तो बच्चों किसी भी टू ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो पुलिंग फोर्स होता है उसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब न्यूटन ने एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देखा और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, ग्रेविटेशनल लॉ दिया। तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे ग्राउंड की तरफ किस फोर्स की वजह से गिरती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर उछाल के छोड़ दो तो भी वो नीचे ही आएगी, उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों आई होप कि ये तीनों फोर्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसे मैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज्ड बॉडी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में पुलिंग फोर्स लगता है तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से के कुछ और एग्जांपल्स, जिसमें फर्स्ट है, आप लोगों ने देखा है कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट में, तो ये भी जो होता है बच्चों ये भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। एंड सेकेंड चीज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक सपोज ये एप्पल है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो भी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपको फोर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेशर डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।